न्यूज 24 इंटू 7 एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स के लिए मैं दिव्या लेकर आई हूँ टीवी जगत की खास खबरें। एकता कपूर के टॉप शो नागिन 3 में नागरानी ने किया रोमांस। 6 साल बाद आप सभी का फेवरेट शो होने वाला है ऑफ एयर, और जानिए आखिर क्यों अनुराग बासु हैं इतने परेशान। इन दिनों टीवी पर एकता कपूर का शो नागिन 3 काफ़ी छाया हुआ है। इस शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मुसीबतों के साथ साथ बेला और माहिर की अच्छी केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। मेकर्स ने इस दौरान बेला और माहिर की केमिस्ट्री को और भी मजबूत बनाने के लिए एक रोमांटिक सीन डाला है। इस सीन में एक दूसरे को दोनों रंग में रंगते नजर आएंगे। हालांकि होली तो बीत चुकी है, फिर भी मेकर्स ने एक रोमांटिक सीन डालने के लिए इस शो में होली का सीन डाला है। करण पटेल और दिव्यांका त्रिपाठी के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें के फैंस के लिए बेहद बुरी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो ये शो जून में ऑफ एयर हो सकता है। इस शो की टीआरपी में कुछ दिनों से भारी गिरावट देखने को मिल रही थी। मेकर्स ने इस शो को जारी रखने के लिए काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले, लेकिन फिर भी इस शो के टीआरपी पर कोई असर नहीं पड़ा। शो के ऑफ एयर होने की पुष्टि खुद एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी ने ट्वीट के जरिए की है। कसौटी जिंदगी की 2 में प्रेरणा को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। चाहते हुए भी अनुराग प्रेरणा की मदद नहीं कर पाते हैं, और जाते जाते अनुराग प्रेरणा की आंखों में आंसू देख लेते हैं। प्रेरणा की आंखों में आंसू देख अनुराग बेहद बौखला उठते हैं और वो फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। लेकिन अब शो में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई अनुराग प्रेरणा को जेल से बाहर निकाल पाएंगे या प्रेरणा की सौतन कोमलिका की जीत हो जाएगी। हम फिर हाजिर होंगे टीवी जगत की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।